Hey guys, welcome back to my channel Artel Lifafa, and welcome back to After So Long with a bang video of business studies of 11th class. Hope you all are safe. Let's get started with today's video. So firstly, we have to clear it out. What is the concept of a business? Basically, it's called the meaning of business and what is business. So business is an economic activity which is concerned with the production and sale of goods and services on a regular basis needed by society with aim to earn profit. बहुत ही simple line है, simple line से ही explain हो रहा है कि business क्या है. Business एक economic activity है जो concerned करती है production से and sale से goods या services के. या तो हम goods को produce और sale करेंगे या फिर हम service को produce और sale करेंगे. ये एक रेगुलर बेसिस पे होती है और बिजनेस का मेन मोटिव हमारा प्रॉफिट अर्न करना होता है. अब अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या मेन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमारे माइंड में आते हैं एक बिज़नेस के लिए. सबसे पहला, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि हम अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसका मेन हमारा काम होता है हमें प्रॉफिट अर्न करना है, हमें मनी अर्न करनी है. तो इसीलिए ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिकॉज इट्स एम टू अर्न मनी एंड लिवलीहुड. हम अपनी मनी अर्न करने के लिए और लिवलीहुड को जीने के लिए ही हम कोई भी बिज़नेस करते हैं. हम अपनी पर्सनल साइकोलॉजिकल फैक्टर को फुलफ़िल करने के लिए हम बिज़नेस नहीं करते, बल्कि हम लिवलीहुड को करने के लिए या फिर हम मनी को अर्न करने के लिए ही बिज़नेस करते हैं. सेकेंडली, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हमें ये माइंड में रखना होगा कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो या तो हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर हम सेल कर रहे हैं. मतलब कि या तो हम प्रोड्यूसर हैं किसी चीज़ की या फिर हम सेलर हैं. वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से हम प्रोड्यूसर होते हैं और किस तरह से हम सेलर होते हैं. तो या तो हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे या हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेंगे. थर्ड पॉइंट इज़ प्रॉफिट अर्निंग. ऑब्वियसली ये हमारा प्रॉफिट अर्निंग है, ये हमारा मेन पर्पज़ होता है. कोई भी बिज़नेस अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए स्टार्ट हो रहा है. वो इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा कि उसको सिर्फ मनी अर्न करनी है या फिर कुछ भी, उसको प्रॉफिट होगा क्योंकि वो अगर सपोज़ वो 10 रुपये अपने बिज़नेस में लगा रहा है और उसको 10 ही अर्न हो रहे हैं उससे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है बिज़नेस का, क्योंकि आप 10 रुपये के साथ साथ अपनी मेहनत भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो और उस इन्वेस्टमेंट का जो आपने मेहनत इन्वेस्ट करी है उसका भी जो पैसा होता है वो हमारे प्रॉफिट में आता है. तो सबसे मेन, अगर हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे मेन करेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी प्रॉफिट अर्न करना. फोर्थ पॉइंट है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क. कभी भी अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करें तो हमारे माइंड में ये चीज़ हमेशा रहनी चाहिए कि अगर हम कुछ चीज़ स्टार्ट करें तो उसमें रिस्क होगा ही होगा. अगर हम ये सोच के बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं कि नहीं ये तो छोटा बिज़नेस है इसमें रिस्क नहीं होगा, तो हम गलत हैं. अगर हम छोटा बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या अगर हम बड़ा बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, रिस्क हर बिज़नेस में होता है, हर जॉब में होता है. हम कुछ भी काम करते हैं उसमें रिस्क होता है. अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पहले ये सोच लेंगे कि इस चीज़ में तो रिस्क नहीं है, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर एकदम से कोई रिस्क आ जाए तो वो हमें झटका लग सकता है. तो इसीलिए क्या होता है हमारा, हम पहले ही सर्टेन होते हैं कि हाँ अगर हम ये बिज़नेस कर रहे हैं तो इसमें रिस्क हो सकता है. लास्ट पॉइंट है हमारा करेक्टरिस्टिक्स में सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट. हम अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें उस प्रॉफिट के साथ ये भी देखना होता है कि ये जो सामने वाला पर्सन है जिसके पास हमारा गुड्स या सर्विस जाएगी उसकी जो वांट है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं. हम प्रोड्यूस करे जा रहे हैं लेकिन हमें यही नहीं पता कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रही. सपोज़ हम एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, एक ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जिसको कोई यूज़ नहीं कर रहा, तो उस प्रोडक्ट का या उस सर्विसेज का कोई बेनिफिट नहीं है. तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो जो हम बिज़नेस कर रहे हैं वो ह्यूमन सेटिस्फैक्शन की वांट्स को फुलफ़िल करें. नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है बिज़नेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये हमने पहले ही पढ़ा था कि बिज़नेस की एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इससे ये प्रॉफिट मोटिव होता है हमारा. क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, हम अलग अलग तरह की यूटिलिटीज़ को क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, यही तो हुआ ना हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पर हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करें. दे आर डन बाई पीपल विद ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी. ये उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिनका ऑब्जेक्टिव मनी अर्न करना होता है. अगर हम एग्जाम्पल लें तो वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अगर कोई वर्कर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. वो उस बिज़नेस में अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जता रहा है.
अगर यही बात करें हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो ये तो हो गई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के वर्कर कंपनी में काम कर रहा है या फिर वर्कर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो इसमें हमारा जो मेन पर्पज़ होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, मनी अर्न करना नहीं होता, वो हमारा सेटिस्फैक्शन के ऊपर होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ अ पर्सन जो ये कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन है वो रिलीजियस वर्क में अपना जो मनी है वो दे रहा है, या फिर किसी रिलीजियस वर्क में सपोज़ एक पंडित है वो मंदिर में पूजा करता है या फिर पूजा करवा रहा है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो किसी मनी के पर्पज़ से, किसी प्रॉफिट के पर्पज़ से वो काम नहीं कर रहा है। सबसे अगर सिंपलेस्ट एग्ज़ाम्पल मैं इसमें लूँ तो एक मदर अपने चाइल्ड का ध्यान रखती है तो वो भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो पैसों के लिए या फिर अर्न करने के लिए, प्रॉफिट के लिए अपने चिल्ड्रन का ध्यान नहीं रखती है, बल्कि वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन को या फिर अपने बच्चे के लिए वो ये चीज़ करे, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी की डीपली, जो कि एग्जैक्टली हमें करना है, क्योंकि हमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में फ़िलहाल इतना ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में ध्यान देना है। अब अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये तीन फैक्टर्स में डिवाइडेड होता है हमारा, बिज़नेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिज़नेस की अगर हम बात करें, वो सारी चीज़ें जो बिज़नेस के तरीके से होती हैं, जैसे ट्रेड हुआ, इंडस्ट्री हुई, वेयर हाउस हुआ, इंश्योरेंस हुआ, इसमें हमारा बिज़नेस हो रहा है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन का सेल एंड परचेज हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, ये हो गई हमारी बिज़नेस। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी ये भी है। अब अगर हम बात करें प्रोफेशन, प्रोफेशन कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, प्रोफेशन हो गया पर्टिकुलर किसी चीज़ की प्रोफेशनली नॉलेज होना, मतलब कि अगर एक डॉक्टर है वो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो दे सर्विसेज रहा है, चल उसका भी वो बिज़नेस ही रहा है अगर हम एक टर्म्स में बात करें, लेकिन है वो क्या है, प्रोफेशन, वो मेडिकल टर्म्स में प्रोफेशन हो गया कि वो एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। डॉक्टर, लीगल कैसे हो गया, लॉयर, लॉयर सर्विसेज तो प्रोवाइड करता है, वो कुछ बिज़नेस थोड़ी कर रहा है, वो सिर्फ सर्विसेज दे रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA, CS, ये हो गए, ये हमारे सर्विसेज दे रहे हैं, ये प्रोफेशनल हो गए, ये बिजनेस में नहीं आएंगे बट ये प्रोफेशनल आते हैं। अब अगर हम तीसरा फैक्टर की बात करें इकोनॉमिक सेक्टर में, तो आते हैं हमारे मैनेजर्स, क्लर्क, वर्कर एंड सेल पर्सन, ये सारे आते हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट के अंदर। एम्प्लॉयमेंट इनका खुद का बिजनेस नहीं है, इनकी खुद की प्रोफेशन नहीं है, बल्कि ये किसी के अंडर काम कर रहे हैं एज अ मैनेजर, एज अ क्लर्क, एज अ वर्कर, एज अ सेल्स पर्सन। तो ये एज अ थर्ड पार्टी या फिर एक एज अ थर्ड पर्सन हमारे बिजनेस या प्रोफेशन में काम करते हैं। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट, आप कह सकते हैं चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ऑफ 11th क्लास, या फिर आप बेसिक्स ऑफ बिजनेस स्टडीज़ भी इसको बोल सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड ऑल द वीडियोज़ आर गिवन बाय देयर प्लेलिस्ट, प्लीज़ चेक दैट आउट। थैंक यू।